हेलो डियर स्टूडेंट आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप यहाँ देख सकते हैं कि इक्वेशन दी हुई है ब्रैकेट के अंदर दिया पी एक्स माइनस फोर यहाँ पर आ गया इन मल्टीप्लाई में एक और ब्रैकेट दिया हुआ है थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस टू इक्वल टू फिफ्टी एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस एट नीचे लिखा हुआ द इक्वेशन अब इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट्स व्हाट विल द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो ऊपर वाला जो ये इक्वेशन दिया हुआ है ये वाला इसमें जो ये एक्स है ना इस एक्स की जो आप आपको एक्स दिख रहा है ना इस इक्वेशन में इसकी कोई वैल्यू होगी ना तो यहाँ पर इस इक्वेशन में एक्स की जो भी वैल्यू है उस वैल्यू पर ये इक्वेशन क्या है एकदम ट्रू है कहने का मतलब यहाँ ये यह है कि यहाँ पर एक्स की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर रखने पर ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर है ऑलरेडी ये यहाँ पर कह दिया गया है ठीक है ना तो यानी कि ये मतलब है कि ये इक्वेशन एल एच एस और आर एच एस दोनों जो है आपस में बिल्कुल बराबर है एक्स की वैल्यूज़ पर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक है जो भी एक्स की वैल्यूज होगी यहाँ पर और यहाँ पे ये कह रहा है कि पी और क्यू क्या है कॉन्स्टेंट है तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है पी और क्यू का प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी उसके बाद हम उन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन क्या दिया हुआ इक्वेशन दिया है पी एक्स मैं यहाँ से इसको हटा दूँ थोड़ा पी एक्स माइनस फोर ठीक है और क्या दिया हुआ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स प्लस टू इक्वल टू फिफ्टीन एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस एट ये दिया हुआ ठीक है और क्वेश्चन में कह दिया है कि यहाँ पर ये यह जो एक्स की वैल्यू है इस पर ये क्वेश्चन जो है हमारा अब जो ट्रू है बिल्कुल मतलब यहाँ पास में बराबर है कह दिया गया हमें यहाँ पर पी और क्यू की वैल्यू निकालनी तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे पेज थोड़ा ऊपर करते हैं ठीक है ये पेज मैंने ऊपर किया सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दो ब्रैकेट है इनके बीच में इंटू है तो पहले हम इन दोनों को इंटू कर लेते हैं तो कैसे करेंगे देखिए इस वाले ब्रैकेट का पी एक्स यहाँ पे लिखिए और ये जो पूरा सेकेंड ब्रैकेट है यहाँ पर इसके साथ इंटू में करके लिख दीजिए इस तरीके से हमने लिख दिया उसके बाद इस ब्रैकेट पहले वाले ब्रैकेट का माइनस फोर यहाँ पे लिखिए अगेन इस सेकेंड ब्रैकेट जो है यहाँ पर इसके साथ इनटू में करके लिख दीजिए ठीक है ये हो गया इक्वल टू ये क्या है आपका फिफ्टीन एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी टू ये एक्स क्यूब है ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस ये ठीक है ये है अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये पी एक्स से पूरा इंटू होगा तो पी एक्स को थ्री एक्स स्क्वायर से इंटू करें तो क्या होगा ये हो जाएगा थ्री पी और ये एक्स और ये एक्स स्क्वायर इंटू हो जाएगा तो थ्री पी एक्स क्यूब हो जाएगा फिर माइनस है उसके बाद ये पी एक्स और क्यू एक्स इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा पी क्यू और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस पी एक्स को टू से इंटू कीजिए तो ये हो जाएगा टू पी एक्स ठीक है ये आपको समझ में आ रहा है फिर ये माइनस है अब इसको इंटू कीजिए तो फोर थ्री जो ट्वेल्व एक्स स्क्वायर

कि यहाँ पर हमको आरएचएस में दिख रहा है एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स ठीक है ये पावर्स दिख रहे हैं एक्स के यहाँ पर भी वहीं से, सेम चीज़ है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एलएचएस साइड में एक्स क्यूब वाला जो टर्म है एक साथ लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे और एक्स वाले जो टर्म है उनको एक साथ लिखेंगे ठीक है तो यहाँ पर एक्स क्यूब वाली टर्म केवल लेख ही है तो इसको ऐसे लिख दीजिए थ्री पी एक्स क्यूब अच्छा एक्स स्क्वायर वाली कौन सी टर्म है देखिए एक ये है एक्स स्क्वायर वाली टर्म और एक ये है देखिए ये एक्स स्क्वायर है इनको एक साथ लिखिए माइनस पी क्यू एक्स स्क्वायर और ये दिया हुआ है माइनस ट्वेल्व एक्स स्क्वायर ठीक है ये आपको समझ में आ रहा है अच्छा अब एक्स वाले टर्म कौन कौन से है ये है और ये है इनको एक साथ लिखिए प्लस टू पी एक्स प्लस फोर क्यू एक्स ठीक है और यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट टर्म माइनस एट है इक्वल टू ये दिया हुआ है फिफ्टीन एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस एट ठीक है अच्छा अब आप यहाँ पे एल एच एस और आर एच एस में देखेंगे कि ये माइनस एट देखिए दोनों में आ रहा है ना तो ये इक्वेशन आपस में बराबर है हमको जब पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी ना आप यहाँ पे रख देंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर एल एच एस और आरच एस दोनों आपस में बराबर है ठीक है पी एस थोड़ा ऊपर करते हैं यह है हमारे पास अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ये है आपका थ्री पी एक्स क्यूब अब देखिए एक्स स्क्वायर वाले टर्म है ना तो यहाँ पर देखिए माइनस दोनों में है तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए और दोनों में एक्स स्क्वायर भी कॉमन है तो ये भी बाहर निकाल लीजिए तो पहले ब्रैकेट में क्या बचेगा पहले पी क्यू लिखिए और ये क्या है माइनस हमने बाहर निकाले तो यहाँ प्लस हो जाएगा फिर ये क्या है ट्वेल्व है और हमने कॉमन क्या निकाला है एक्स स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो एक्स स्क्वायर बाहर लिख दीजिए फिर देखिए अब इन दोनों में कॉमन निकालिए देखिए प्लस यहाँ दोनों में है तो प्लस यहाँ पे लिखिए अच्छा एक्स दोनों में है तो एक्स कॉमन निकाल लीजिए तो बचेगा क्या है टू पी प्लस ये क्या है आपका फोर क्यूब और बाहर क्या बचेगा एक्स हमने कॉमन निकाल लिया ये क्या -8 है माइनस एट है इक्वल टू ये क्या है आपका फिफ्टीन एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस एट ठीक है ये हो गया हमारे पास अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए क्योंकि दोनों इक्वेशन बराबर है एल एच एस आर एच एस एक्स की वैल्यूज़ पर एक्स हर ऑल एक्स की वैल्यूज पर ये इक्वेशन ट्रू है आपस में बराबर है कहने का मतलब तो अब हम क्या करेंगे सीधे यहाँ पर जो है कोफिशियंट को कोफिशियंट के साथ बराबर कर देंगे तो कोफिशियंट कौन सा पहले देखेंगे जिसका पावर एक्स क्यूब है एक्स क्यूब वाले को एक्स क्यूब के साथ बराबर कर देंगे तो देखिए एक्स क्यूब वाली टर्म एक एल एच एस में ये है और एक है तो इनको बराबर कर दीजिए तो बराबर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर थ्री पी एक्स क्यूब हट जाएगा हमारा और ये क्या है फिफ्टीन ये आपको समझ में आया ठीक है एक ये आया हमारे पास अब उसके बाद हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है ना उनको बराबर करेंगे जो कोफिशियंट है एक्सर एक्स स्क्वायर की कोफिशियंट को बराबर करेंगे ठीक है तो देखिए यहां पर क्या है एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है ये है और एक ये है अच्छा यहाँ पर माइनस आ रहे साइन के साथ लेना माइनस और ये क्या है पी क्यू प्लस ट्वेल्व इक्वल टू और यहाँ पर क्या है माइनस साइन के साथ लेना माइनस ट्वेंटी टू तो दूसरा एक ये टर्म आया हमारे पास ठीक है अच्छा और क्या आप एक्स वाली को एक्स के कोफिशियंट को बराबर कीजिए देखिए एक्स वाला टर्म क्या है एक ये है और दूसरा ये तो देखिए कैसे लेंगे यहाँ पर ये यह देखिए ये टू पी साइन इसका पॉजिटिव है लिखने की जरूरत नहीं है टू पी प्लस फोर क्यू इक्वल टू एक्स वाली टर्म क्या है ये इसका साइन 18 है तो यहाँ 18 लिखिए और एक्स वाला एक्स हट जाएगा यहाँ से ठीक है तो ये तीन चीजें हमारे पास आई हैं एक ये आया है दूसरा ये तीसरा ये आया तो बस अब इन तीनों की हेल्प से हमको बहुत ईजी तरीके से पी और क्यू की वैल्यू मिल जाएगी तो चलिए निकाल लेते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ से तो ईजी तरीके से हमारा क्या निकल जाएगा थ्री पी क्या हमारा फिफ्टीन है तो देखिए थ्री से कट जाएगा थ्री फाइव जब फिफ्टीन तो पी की वैल्यू क्या आई फाइव आई ठीक है अच्छा अब हमें क्यू की वैल्यू चाहिए तो सिंपल है यहाँ पे आ जाएगा ये क्या है आपका या फिर आप इधर से भी निकाल सकते हैं देखिए ये क्या है ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो पी क्यू प्लस ट्वेल्व कितना है ट्वेंटी टू है ये तो पी क्यू क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू ये ट्वेल्व इधर शिफ्ट हो जाएगा ये माइनस ट्वेल्व हो जाएगा तो पी क्यू और इक्वल टू ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व माइनस कीजिए टू टू जीरो वन अच्छा पी की वैल्यू कितनी है ये फाइव आई है तो फाइव ये देखिए इनके बीच में इन टू का साइन है फाइव क्यू इक्वल टू टेन तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी ये देखिए फाइव टू जा टेन कैंसिल हो गया ना क्यू की वैल्यू टू आई तो क्यू की वैल्यू भी देखिए यहाँ पर टू आ गई हमें पी और हमें क्या फाइंड करना है हमें पी और क्यू का प्रोडक्ट ये फाइंड करना है तो देखिए पी आ गया क्यू आ गया तो फाइव टू जै क्या हो गया टेन हो गया तो ये इसका आंसर है ठीक है अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि ये हमारा सही आया है कि, कि आप ये क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गिवन कि हमारा इक्वेशन क्या है ट्रू है फॉर ऑल एक्स तो देखिए मैं पी और क्यू की वैल्यू रख के आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर आपका एल एच एस और आरएचएस दो है दोनों सेम है तो देखिये हमारा पी का वैल्यू क्या आया है पी का वैल्यू हमारे पास क्या आया है देखिये मैं दिखा दू आपको पी की वैल्यू आई है फाइव फाइव और टू आया है फाइव यहाँ पर मैं लिख दू क्या है पी की वैल्यू फाइव है क्यू की वैल्यू टू है ठीक है तो इसको किस में रखेंगे आप देखिए मैं यहाँ बता रही हूँ यहां पे रखिए ये यह जो यहां पर आपने सब ब्रैकेट में किया था ना लिखा था ना ये देखिए ये इधर के हाँ यस इसमें रखिए इसमें यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक साथ लिख दिया ये देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये है एक्स वाला टर्म है तो इसमें रखते हैं तो थ्री देखिए यहाँ पर पहले देखिए थ्री पी की वैल्यू कितनी आई है फाइव और क्यू की वैल्यू आई है टू तो यहाँ पर रखिए थ्री और फाइव हमारा पाइव पी का है हमारा फाइव है और ये एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा माइनस यहाँ पे देखिए रखिए पी क्यू तो देखिए ये पी क्यू की वाली पी इन क्यू पी क्यू फाइव टू जो टेन टेन प्लस ट्वेल्व क्या हो जाएगा टेन प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी टू और ये क्या? है, plus, plus ये फिर इसको सॉल्व कीजिए टू पी प्लस फोर क्यू तो टू और ये पी टू पी क्या हो जाएगा टू और पी यानी कि फाइव टू फाइव टेन टेन प्लस फोर क्यू फोर टू जो एट और टेन प्लस एट क्या हो जाएगा एटीन एक्स ये क्या है माइनस एट ठीक है तो देखिए ये थ्री फाइव जाए फिफ्टीन एक्स क्यूब माइनस ट्वेंटी टू एक्स स्क्वायर प्लस एटीन एक्स माइनस एट अब देखिए ये बिल्कुल एल एच एस जो है वही सेम आर एच एस है कि नहीं ये देखिए फिफ्टीन एक्स्यूब यहाँ भी है यहाँ भी है देख सकते हैं कि नहीं आप माइनस ट्वेंटी टू एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है ये एटीन एक्स यहाँ भी है यहाँ भी है माइनस एट यहाँ पर भी है तो ये तो मैंने आपको चेक करके दिखा दिया है लेकिन क्वेश्चन में तो ऑलरेडी कह दिया है ये तो मैंने एक्स्ट्रा समझा दिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास पी और क्यू का प्रोडक्ट क्या आया है मैं यहाँ पे दिखा दूँ पी और क्यू का प्रोडक्ट क्या आया यही मैं फाइंड करना था टेन आया है तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है ना हमारा यहाँ पर वट इ वट विल बिल द प्रोडक्ट ऑफ पी एंड क्यू तो हमारा यहाँ पर आंसर आया है टेन तो उम्मीद करती हूँ यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा